नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। जून के बाद झारखंड में होंगे पंचायत चुनाव। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी, कहा अभी पंचायतों के परिसीमन का काम चल रहा है। झारखंड में अब जून के बाद ही पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव होंगे। इसकी जानकारी गुरुवार को राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में दी। आशु विधायक लंबोदर महतो के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। अभी पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों की परिसीमन मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है। यह काम मई जून महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हेमंत सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पर लिया स्वतः संज्ञान, कहा गहरी नींद से जाग जाइए सरकार। गुमला में डायन के नाम पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। गुरुवार को इस मामले में चीफ जस्टिस रवि रंजन ने कहा कि सरकार को अब गहरी नींद से जागना चाहिए। राज्य में डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान सही तरीके से नहीं चल रहा। कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और समाज कल्याण सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही इनसे पूछा कि अब तक जागरूकता के मामले में और इस मामले में अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। झारखंड के 1,20,000 वोटर्स का डिजिटल आई कार्ड तैयार। 15 मार्च के बाद सभी वोटर्स डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड में वोटर्स को नई सुविधा दी गई है। अब ये अपना डिजिटल मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी शुरुआत राज्य में हो गई है। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक यह सुविधा झारखंड में 1,20,788 नए मतदाताओं के लिए है। नए निबंधित मतदाता भी भारत निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर पोर्टल पर खुद को निबंधित कर डिजिटल फोटो मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विधानसभा में अवैध खनन पर विपक्ष का हंगामा, बीजेपी की मांग। जेएमएम के विधायक लोबिन हेमंत, सीता सोरेन और स्टीफन मरंडी के सवालों का जवाब दे सरकार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन भी भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी। सत्र से पहले बीजेपी विधायक अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की तरफ से सरकार पर लगाए आरोपों का जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के मुख्य सचेतक गिरंजी नारायण सहित अन्य एमएलए ने विधानसभा परिसर में अवैध पत्थर एवं बालू खनन पर रोक लगाओ, लोबिन हेमरम के आरोपों की सीबीआई जांच कराओ आदि पोस्टर बैनर के जरिए प्रदर्शन किया। वहीं सत्र शुरू होने के बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक बेल में पहुंच गए। इस दौरान अवैध खनन का लगातार विरोध करते रहे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जेएमएम विधायक लोबिन हेमरम ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि संथाल परगना में हो रहे अवैध उत्खनन की उन्होंने मुख्यमंत्री से सोमवार को शिकायत की थी। इस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, उससे जंगल पहाड़ नक्शे में भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। वहीं पर सीता सोरेन भी लगातार सरकार पर हमलावर है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के रांची में अगले 3 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा उच्चतम तापमान, न्यूनतम 14 के पार पहुंचा। रांची में सुबह से ही तेज धूप निकलने वाली है। सुबह हल्की हवा के होने के कारण मौसम सुहाना बना रहता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ जाती है। पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में रांची के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान रांची का मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज सबसे ज्यादा गर्मी दक्षिण जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां और सिमडेगा में पड़ने की संभावना है। यहां आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं गुमला, खुट्टी, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, खोगोड्डा और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर सिटी में 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर में 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में बजट काल चल रहा है। किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ और गुरुजी किचन से 5 रुपये में भरपेट भोजन। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। झारखंड में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश कर दिया। लगातार हो रही नारेबाजी और टोका टोकी के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसी तरह अपना बजट भाषण पूरा किया। झारखंड सरकार ने 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़। और बजट भाषण में रामेश्वर उरांव ने बताया कि ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन और सहकारिता विकास के लिए 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 11% अधिक है।
कृषि ऋण माफी के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि फ्लास ब्रांड के जरिए एक नई पहचान देकर 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और आगामी वित्त वर्ष में इस योजना का तेजी से विस्तार किया जाएगा। दाल भात के साथ गुरुजी किचन योजना की शुरुआत। मनरेगा योजना के तहत अब 194 की बजाय 225 रुपए मजदूरी मिलेगी। स्वास्थ्य समाज की परिकल्पना को लेकर गुरुजी किचन योजना नाम की एक नई योजना की शुरुआत वर्ष 2021-22 में की जाएगी। राज्य में दाल भात केंद्रों के अलावा गुरुजी किचन योजना चलाई जाएगी। इसके तहत 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा, जबकि 15 लाख लाभुकों को 5 किलो चावल 1 रुपए के रेट पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुदानित दर पर धोती, साड़ी और लुंगी भी बांटा जाएगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। इंतजार खत्म हो गया, आज होगा गोड्डा पोड़ैयाहाट लाइन का सीआरएस। गोड्डा रेलवे स्टेशन व गोड्डा से पोड़ैयाहाट के बीच बिछी नई रेल लाइन का सीआरएस शुक्रवार को होने जा रहा है। सीआरएस की हरी झंडी के बाद तय हो जाएगा कि किस दिन गोड्डा रेलवे स्टेशन से यात्री गाड़ी का परिचालन शुरू होगा। शुक्रवार को होने वाले सीआरएस को लेकर भागलपुर रेलवे थाना के अधीन पड़ने वाला गोड्डा रेलवे स्टेशन व पोड़ैयाहाट स्टेशन पर आरपीएफ की तैनाती कर दी गई है, जहां एक पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर शुक्रवार को होने वाले सीआरएस को लेकर रेलवे के अधिकारी लगातार गोड्डा रेलवे स्टेशन व रेल लाइन का निरीक्षण कर रहे हैं। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज में हो स्वीकृत कृषि कॉलेज का निर्माण। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने गुरुवार को साहिबगंज मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय और राजमहल में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग विधानसभा में उठाई है। यह मामला बजट सत्र में शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से उठाया गया। विधायक ने कहा कि साहिबगंज मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय और राजमहल में कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण की पूर्व में ही स्वीकृति दी गई थी, परंतु इसके निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इस कारण स्थानीय छात्र छात्राओं और किसानों को कठिनाई हो रही है। अविलंब कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण कराया जाए। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। पेशा कानून के तहत गठित हो स्वशासी परिषद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिका गठन को रद्द करने तथा पी पेशा कानून की धारा 4 के तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में स्वशासी जिला परिषद का गठन होना चाहिए। यह बातें आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में गुरुवार को ग्राम प्रधान जितेंद्र मुर्मू ने कही। वे मांझी परगना लहंती बैसी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। खबर है झारखंड के लातेहार से। लातेहार के महुआटांड़ से टीएसपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लातेहार जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठन कर बुधवार को थाना प्रभारी के नेतृत्व में महुआटांड़ थाना क्षेत्र के गांव कुरुद में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कुरुद गांव से तृतीय सम्मेलन परिस्थिति कमेटी उग्रवादी संगठन का किशोर लोहरा उर्फ केशवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गुरुवार को उसे लातेहार जेल भेज दिया। खबर है झारखंड के खुट्टी से। सेना में जाने की इच्छुक युवाओं को जिला पुलिस दे रही है विशेष प्रशिक्षण। भारतीय सेना में सेवा देने की सपना देखने वाले खुट्टी जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए जिला पुलिस उम्मीद की एक किरण लेकर आई है। 10 मार्च से रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना में बहाली के लिए शिविर लगेगा। बहाली शिविर में खुट्टी जिले से भी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा शामिल होंगे। जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित इलाकों के युवा सेना बहाली में पिछड़ न जाए, इसलिए जिला की पुलिस उन्हें पहले से ही प्रशिक्षण देकर पूरी प्रक्रिया से अवगत करा रही है। इस संबंध में खुट्टी के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सेना बहाली शिविर में जिले के युवाओं को मदद मिले, इसके लिए सेना में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को खुट्टी जिला पुलिस अपनी ओर से विशेष प्रशिक्षण दे रही है। सेना बहाली के लिए जो युवा आचरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है। खबर है धनबाद से। जसीडी से धनबाद होकर वास्को द गामा के लिए चलेगी ट्रेन। जसीडी से धनबाद होकर वास्को द गामा के लिए नई ट्रेन चलेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के अनुरोध पर रेल मंत्री ने नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। यह ट्रेन मड़गांव यानी कि गोवा होते हुए वास्को द गामा पहुंचेगी। ट्रेन का जो रूट तैयार हुआ है, इसके अनुसार ट्रेन जेसीडी से खुलकर मधुपुर चितरंजन होते हुए धनबाद पहुंचेगी। यहां से रायपुर हैदराबाद होते हुए वास्को द गामा पहुंचेगी। खबर है झारखंड के चतरा से। चतरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल। आईपीएल खिलाड़ी मोनू सिंह हुए शामिल। स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार को स्वर्गीय श्यामा कांत सिंह क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें टू इंडियन बनाम सिंह 11 टीम के बीच खेला गया।
इस मैच को टू इंडियन की टीम ने 52 रन से जीतकर टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड रणजी टीम के खिलाड़ी अज्ञात शत्रु और विशिष्ट अतिथि के रूप में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से चुने गए मोनोशी शामिल हुए। झारखंड में कोरोना वैक्सीन लेने वाले पहले विधायक बने सीपी सिंह, कहा पीएम मोदी ने लगवाया तो अब डर कैसा। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वदेशी कोवैक्सीन टीका लेकर लोगों को वैक्सीन और भारतीय वैज्ञानिक पर विश्वास जताने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी द्वारा लिए गए वैक्सीन के 72 घंटे बाद झारखंड में पूर्व मंत्री और रांची के विधायक सीपी सिंह वैक्सीन लेने वाले राज्य के पहले विधायक बने। बीते बुधवार को सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सीपी सिंह ने पत्नी और भाई के परिवार के साथ टीका लिया तथा सभी से टीका लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीका लगवा लिया है तो अब दूसरों को डरने की क्या जरूरत है। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।